प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल और निजी सहायक जहांगीर आलम के खातों व उससे हुए लेन देन का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इसका उद्देश्य कमीशनखोरी की रकम की लॉन्ड्रिंग और लेयरिंग का पता लगाना है। फिलहाल इन तीनों से ही पूछताछ जारी है। हालांकि पूछताछ के दौरान सभी जहांगीर के घर से जब्त पैसों के सिलसिले में अनभिज्ञता जता रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जारी जांच के दौरान ईडी ने बैंकों से संबंधित लोगों का ब्यौरा मांगा है। ईडी ने विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में कमीशनखोरी के मामले में जांच के दौरान 6 मई को संजीव लाल और जहांगीर सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। उस छापामारी के दौरान जहांगीर के घर से 32,20,00,000 रुपए और संजीव लाल के घर से 10,50,000 रुपए जब्त किए। इसके बाद 7 मई को छापेमारी में सचिवालय स्थित संजीव लाल के कार्यालय से 2,03,000 रुपए नकद बरामद किए थे। ईडी ने इस पूरे प्रकरण में 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। रिमांड पर लेने के बाद ईडी के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान सभी पैसे के सिलसिले में अनभिज्ञता जता रहे हैं। मंत्री सारी जिम्मेदारी जहांगीर पर डाल रहे हैं, तो आप तो सचिव जहांगीर से अपने संबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पैसे के सिलसिले में वह किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जहांगीर छापेमारी के दौरान ही रुपये संजीव लाल द्वारा रखवाए जाने की बात पहले ही स्वीकार कर चुका है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।